डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग अभी पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल ये एनसीईआरटी के बुक में सेकेंड चैप्टर में है, जिसका नाम पॉलिनोमियल है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को कंप्लीटली कर चुके हैं। अब आइए सीखते हैं 2.2 एक्सरसाइज के लिए कुछ थ्योरी, यानी कि ऐसा कुछ हम लोग जो कुछ सीखेंगे उसका एप्लीकेशन मिलेगा एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसका नाम क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हम आखिर किसको बोलेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़े कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल कब एग्जिस्ट करता है, किस केस में पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप चीजों को बढ़िया से समझ चुके हैं, आइए हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला कि पॉलिनोमियल किसी भी टर्म में हो सकता है, एक्स में, वाई में, टी में, पी में, कुछ भी टर्म में हो सकता है। इट मीन्स एग्जाम्पल अगर बात किया जाए कि अगर कोई पॉलिनोमियल, अगर मान लिया कि 2x³ + 3x² + 4 दैट इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज पी एक्स, मतलब कि एक्स के टर्म में यह पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, इसको पी एक्स भी पढ़ते हैं, पी ऑफ एक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3t³ - t²-9 दैट इज पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टी, यानी कि टी के टर्म्स में ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, पीटी। बात पता चल रहा है ना, आखिर ये पीटी का मतलब क्या, पॉलिनोमियल इन टर्म्स टी, पॉलिनोमियल इन टर्म्स एक्स, दैट इज एक्स में पॉलिनोमियल, दैट इज टी में पॉलिनोमियल। एंड नेक्स्ट इज, अगर मान लिया ऐसा कुछ एग्जांपल रहेगा -4y + y² + 6 दैट इज पॉलिनोमियल इन y, दैट इज पॉलिनोमियल इन y, मींस दैट पी वाई, राइट। यानी कि कोई भी फंक्शन को देखकर, कोई भी पॉलिनोमियल को देखकर आप बता सकते हैं कि वो किस टर्म में पॉलिनोमियल है। अगर t में रहेगा तो pt, y में रहेगा तो py। अब कोई पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है, हालांकि नाइन्थ क्लास में नहीं मिलेगा आप लोगों का, ये हायर क्लास में मिलेगा, दिखाते हैं। जैसे ऐसे 2x² - 4y + 6y³, दैट इज, अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि x में भी पॉलिनोमियल है, y में भी पॉलिनोमियल है। तो आपको ये नाइन्थ क्लास में नहीं मिलेगा, इट मीन्स आगे आप हायर क्लास में जाएंगे तो हम इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स कॉमा वाई, दैट इज पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई, यानी कि इस पॉलिनोमियल में एक्स का भी यूज हुआ है, वाई का भी यूज हुआ है, दैट इज उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई टर्म्स। ठीक है, तो हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को किस टर्म्स में है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पी लगाते हैं, पी एक्स, पी टी, पी वाई, पी एक्स वाई। तो पी का मतलब क्या, तो पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल। हम लोग पढ़ते कैसे इसको है, पी एक्स पढ़ते हैं, हालांकि इसको पी ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग आज ये सीखे कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट्स कैसे कर सकते हैं, तो उसके टर्म्स को देखकर, यानी कि अगर एक्स रहेगा तो पी एक्स, अगर टी रहेगा तो पी टी, वाई रहेगा तो पी वाई, उसी तरीके से जेड में अगर फंक्शन रहा, जेड में अगर पॉलिनोमियल रहा तो उसको पी ऑफ जेड बोलेंगे। इट मीन्स एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -z + 4 दैट इज पी जेड। ठीक है, हालांकि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हुआ, इसको हम पॉलिनोमियल
जीरोज नहीं बोलेंगे। ये भी हम लोग सीख रहे थे कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग दिखाते कैसे हैं, ठीक है। यहां पे एक्स का टर्म्स हुआ तो पी एक्स, टी में तो पी टी, वाई में तो ठीक है। अब हम लोग आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। तो जीरोज का मतलब होता है जीरो, दैट इज जीरो वन टू थ्री फोर, आई मीन काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो, राइट। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना होगा तो जीरोज का मतलब जीरो, शून्य, इसका हिंदी होता है शून्यक, ठीक है, बहुपदों का शून्यक, यानी इट मीन्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें अक्सर होता क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल में अगर कोई भी टर्म्स में हो, लाइक पी एक्स पी टी पी वाई एटीसी, उसमें अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना रहेगा तो हम लोग उसके जगह पे क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। देखिए विच इसका लिख लेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद का यानी कि पॉलिनोमियल का वैसा वैल्यू हुज गेट द वैल्यू ऑफ हुज गेट द पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो। यानी कि एक्स का मतलब क्या कि कोई भी वेरिएबल अगर जीरो हो गया तो हम लोग उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर मान लिया कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा पी एक्स, यानी कि एक्स में का कोई भी फंक्शन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, ये पी एक्स का वैल्यू दिया रहेगा और इसको बोलेगा आपको कि इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालो, क्या निकालो, जीरो। तो हम क्या बोले, विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का वैसा वैल्यू जो हुज गेट हमें प्राप्त होता है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो, एक्स के जगह पे क्या करके जीरो पुट करके, इट मीन्स पी एक्स का वैल्यू इतना है और हमें बोल रहा है कि फाइंड जीरोज मतलब शून्य, जीरोज निकालना है। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम कुछ नहीं, जीरोज बोल रहा है तो पी जीरो निकाल देंगे, जहां जहां एक्स है वहां पे आपको जीरो रखना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आप जीरो का स्क्वायर करो माइनस थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर प्लस फोर, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो और आंसर इज फोर। अगर कोई बोलेगा कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते पता, उस टर्म्स की जगह पे आपको जीरोज रख देना है, जीरो रख देना है, ठीक है। अगर मान लिया कि एक और एग्जांपल क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर टू, अगर मान लिया कि अब की एक्स में फंक्शन नहीं दिया, एक्स में पॉलिनोमियल नहीं दिया, इस बार वाई में पॉलिनोमियल दे दिया, इट मीन्स पी वाई इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस फोर, वाई क्यू माइनस एट, राइट। अब इसको बोल रहा है कि फाइंड जीरोज। तो जीरोज का मतलब क्या कि जो भी अगर फंक्शन रहेगा उसकी जगह पे क्या रखो, उसकी जगह पे जीरो रखो। तो यहां पे हम लोग क्या कर दिए, जीरो रख देंगे। तो यहाँ पे जो जीरो रखने से वैल्यू मिलेगा वो हम लोग क्या क्या होगा, तो बहुत सिंपल आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी टर्म्स में रहेगा, जैसे वाई के टर्म्स में रहा तो हम लोग वाई के जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो जीरो क्यू माइनस एट, यानी कि आंसर हो जाएगा माइनस। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल रहे अगर हमें जीरोज निकालना बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह पे जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन, ये तो जीरोज निकालना सीख गए। कोई भी अगर फंक्शन पी एक्स दिया रहेगा उसमें उसका हम लोग जीरोज ऐसे निकाल सकते हैं।
लेकिन जीरोज के अलावा और कुछ भी हमें निकालने के लिए बोला जा सकता है। अब क्या क्या बोला जा सकता है जरा उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। कुछ इस तरीके से बोला जा सकता है, जैसे इट मीन्स ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे px का वैल्यू दे दिया, कुछ भी दे सकता है भाई, px का वैल्यू दे दिया 2x4 - 3x³ + 2x² - 8, ठीक है, ये px का वैल्यू दे दिया। अब आपको क्या बोल रहा है सवाल में कि p1 का वैल्यू निकालो। तो p1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो x की जगह पे कितना रखेंगे, 1, x की जगह पे कितना रखेंगे 1, तो यहां हो जाएगा p1 निकालना है ना, तो x की जगह पे 1 रखेंगे, जहां जहां x होगा सब जगह पे 1 रखेंगे, 2 × 1³ - 3 × 1³ + 2 × 1² - 8, टोटल मिला के कितना हुआ 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1, और 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2 - 3 × 1 का क्यूब करेंगे तो 1, और उसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2 - 8, कुल मिलाकर देखेंगे तो प्लस वाला को प्लस के साथ ऐड करते हैं तो 2 और 2 मिलकर कितना हुआ 4, और माइनस वाले को एक साथ करेंगे तो -11, तो कुल मिलाकर कितना आंसर हो गया -7। तो इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल देकर, सवाल में कोई भी पॉलिनोमियल देगा और हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा उसका वैल्यू निकालो, उसका वैल्यू निकालो। तो हमें P1 यहां पे निकालने के लिए बोल रहे ना, अब P2 भी निकालने के लिए बोल सकता है, P3 भी निकालने के लिए बोल सकता है, P-2 भी निकालने के लिए बोल सकता है। जैसे आगे कुछ समझते हैं हम लोग कि क्या होता है, Px का जो वैल्यू है, नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इस बार Py का वैल्यू दिया है कितना, तो -3y³ + 2y⁴ + y - 17, ठीक है। अच्छा py का वैल्यू दिया यानी कि सब चीज क्या है y में है, कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pt भी हो सकता है, सब t में रहेगा, यहाँ py का मतलब समझे सब y में रहा, ठीक है। अब हमको सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप p-2 निकालो, क्या करो p-2 निकालो, इसका मतलब जहां कहीं भी y है उसके जगह पे कितना रखना है, -2 रखना है। तो p-2 का वैल्यू कितना होगा, तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहां y है ना, तो y के जगह पे बोल रहा है -2 करके निकालो y के जगह पे, तो यहां पे हम लोग p-2 निकालेंगे, तो -3 × y³ मतलब -2³ + 2 × y⁴ का मतलब -2⁴ + y⁴ का मतलब -2 - 17, ये चूंकि वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ y के जगह पे हम लोग रखते हैं, तो अब यहाँ पे आप देख लो भाई -3 × -2³ का मतलब ये हुआ कि -2 × -2 × -2 तीन बार उसको कैलकुलेट करना है, मल्टीपल करना है, तो ये कितना वैल्यू होगा, -2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो कुल मिला के इसका वैल्यू कितना हुआ -8 + 2 × -2⁴, ठीक है। तो -2⁴ का मतलब -2 × -2 × -2 × -2, -(+), ±(-), ±(+), 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, that means 16 ±(-2 - 17, यहां पे आप देख पा रहे होंगे -(+),
8 3 24 प्लस 62 32 माइनस 19, तो टोटल मिलाकर एड वाले को एक साथ जोड़ते हैं कितना बन गया 56 माइनस 19 यानी कि 37। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों को ऐसे ही सवाल सॉल्यूशन करना है एक्सरसाइज 2.2 में, यानी कि इसमें हम लोगों को अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेगा निकालने के लिए तो उसके जगह पर जीरो रखेंगे, या तो एक्स रहे, अगर इसी का हमको बोलता पी वाई बराबर इतना 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 इतना। ठीक है, चलिए इसमें सवाल हम बता ही देते हैं। अब यहां पे ये बोलता, ये सवाल देखकर बोलता, इतना लिखने के बाद बोलता फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पी जीरो। ठीक है, पी जीरो तो माइनस 3 इंटू वाई का क्यूब मतलब 0 का क्यूब, 2 इंटू वाई के पावर 4 का मतलब 0 के पावर 4 प्लस वाई, वाई मतलब 0 माइनस 17। ठीक है, अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि 0 का अगर कितना भी क्यूब किया जाए तो 0 होगा, प्लस 0 के पावर कितना भी होगा 0 रहेगा, प्लस 0 माइनस 17। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, ये तो जीरो हुआ, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीपल करते हैं वो जीरो होता है, यहां पे हो जाएगा जीरो, यहां पे हो गया जीरो माइनस 17, तो ये जीरो 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 से कोई मतलब नहीं है, सीधा मतलब माइनस 17। ठीक है, तो अगर कभी भी सवाल में बोलेगा कोई भी फंक्शन को देकर कि आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, तो हम लोग ऐसे ही काम करेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने आज सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किया। तो आज के क्लास में जितना सीख पाए होंगे, अगले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन हम बताएंगे, हम समझाएंगे, और आपको नोट डाउन करते चले जाना है, नोट्स बनाना है एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।